हेलो एवरीवन, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में मैं अनीता जोशी आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी ये जो क्लास है, बेसिकली ये उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस की क्लास है, ठीक है। और ये आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। तो उत्तराखंड में जो है हमारी आज की जो क्लास है, बेसिकली आपने जो सिलेबस है वो देखा होगा, और सिलेबस में आप एक चीज़ देखेंगे कि प्री और मेंस का दोनों का नेचर अलग है। और उत्तराखंड वाला पोर्शन अगर आप देखते हैं तो उत्तराखंड के यहाँ पर दो पेपर हैं जो 200 मार्क्स का ईच पेपर है, ठीक है। तो यानी कि उत्तराखंड ऐसा पेपर है आपका जो कि आपके नैया को पार भी लगा सकता है, और उत्तराखंड ऐसा पेपर है जो कि आपके नैया डुबा भी सकता है। तो मिनिमम एफर्ट में अगर आपने बहुत कुछ गेन करना है तो वो आपका सब्जेक्ट है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड टॉपिक में आपने कैसे स्टडी करना है, कैसे उस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है, इन सब में जो है जो मेंटोर जो है मैं आपको गाइड करूंगी। यहाँ पर आप देखेंगे, अब जो क्वेश्चन का अगर आपको नेचर देखना है, देखिए आज हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। केवल एक हमारा जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का टाइप लेकर हम चलेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है। कोई स्टडी का मैटर मैंने पहले बताया नहीं है कि कौन से यूनिट से हमने करना है। तो बस एक ऐसा ऐसी हम ऐसा टॉपिक लेंगे जो कि आप सभी को जो है सबके माइंड में पहले से ही फिट है, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्री में पढ़ा है। बस आज हमने देखना है कि इसमें जो है हमें मेन्स का आंसर राइटिंग कैसे करना है। आंसर राइटिंग के लिए देखना, क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं, जैसे व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेनेशन आपको कहा जाता है, वर्णन कीजिए। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि जैसे उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभयारण्यों का वर्णन कीजिए, तो इसमें जो है आपकी लेखन शैली चेक नहीं होगी। इसमें सीधे सीधे जो फैक्ट है उनको फैक्ट आपने लिखना है। ये सबका आंसर एक जैसा होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ईजी होते हैं, हर कोई कर लेता है इसे। तो यानी कि अगर को एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो ईजी होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ कौन से बन जाते हैं, विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आपके टफ क्या पड़ते हैं, थोड़ा इनको करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे आलोचना कीजिए में क्या है आपका, कि आपको आलोचना में हमें क्या लगता है, क्रिटिसिज्म करनी है हमने, यानी कि निगेटिव पॉइंट लिखने, ऐसा नहीं। आलोचना में हमें पक्ष और विपक्ष, मेरिट डिमेरिट दोनों देखने हैं। एंड फाइनली जो है हमने इसका ऑल ओवर कंक्लूजन, यानी कि दोनों को तुलनात्मक रूप से हमने जो है अपनी ओपिनियन यहाँ पर हमने क्या करनी है, निष्कर्ष के तौर पर लिख देनी है, ठीक है। तो आज हम एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे हमने प्री में हमने पढ़ा है गोरखा शासन, उत्तराखंड में गोरखा शासन हमने पढ़ा हुआ है। तो गोरखा शासन आज हम लेके चलेंगे, इसके बारे में आप सबने पढ़ा है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गोरखा शासन में गोरखा प्रशासन का आलोचनात्मक वर्णन, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा एक वर्ड के आगे हमारा आलोचनात्मक, यानी कि हमको क्रिटिसिज्म करना है यहाँ पर। अब भाई इसका क्वेश्चन जो है ये, अब नॉलेज हमें सारी है गोरखा प्रशासन के बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर हमने लिखना कैसे है। पहले थोड़ा गोरखा प्रशासन पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। गोरखा प्रशासन, गोरखा प्रशासन, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से प्री और मेंस दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोरखा प्रशासन में हमने पढ़ा था कि जब उत्तराखंड में आपका 1790 में जो है कुमाऊं क्षेत्र पर रूल कर लिया गोरखों ने, फिर खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद 1804 के बाद जो है गढ़वाल क्षेत्र पर भी इनका अधिकार हो गया, यानी ऑल ओवर उत्तराखंड में जो है गोरखों ने अपना रूल कर लिया। अब गोरखा में हमें ये पता है कि गोरखों ने जो है यहाँ पर जो नेपाल के राजा, उन्हें यहाँ आकर रूल नहीं किया है, यहाँ पर इन्होंने जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है यहाँ पर सूबा नियुक्त किए थे। यानी जिन क्षेत्रों को ये जीतते थे तो वहां पर जो है ये यहाँ पर अपने सूबा नियुक्त कर देते थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो इनका बेसिकली जो इनका प्रशासन है, इनने स्पेसिफिक उत्तराखंड के लिए ही जो है इसे डेवलप नहीं किया था। इन्होंने उस टाइम पीरियड में जो प्रचलित उत्तराखंड की प्रशासन व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, और नेपाल में प्रचलित जो प्रशासन था, उन दोनों को मिक्स करके जो है यहाँ पर उत्तराखंड में रूल किया। यानी कि एक मिश्रित प्रशासन, आपका मिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है उत्तराखंड में इन्होंने लागू किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर गोरखा प्रशासन में, तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली किस पर आधारित था, आपका सैन्य प्रशासन पर आधारित, सैन्य प्रशासन पर आधारित है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल उत्तराखंड के लिए ही जो है इसे स्पेसिफिक नहीं बनाया गया है, तो ये मिश्रित रूप है किसका, उत्तराखंड के प्रशासन का, उत्तराखंड का जो प्रचलित प्रशासन था उस समय का प्रशासन, प्लस नेपाल,
नेपाल का प्रशासन, यानी इन दोनों का जो है मिश्रित रूप यहाँ पर जो है इन लोगों ने प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी चीज यहाँ पर। अब मैंने आपको कहा कि इनका जो प्रशासन था ये नेपाल और उत्तराखंड की जो प्रचलित उस समय की शासन व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने यहाँ पर रूल किया था। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आप देखेंगे, अब हमने यहाँ पर सैन्य प्रशासन हमने देखना है, न्याय प्रशासन हमने देखना है, भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने देखना है। अब आप देखेंगे जैसे हमने चंद, पड़े, पवार, कचूरी ये सारी हमने डायनेस्टी पढ़ी, तो यहाँ पर हमने जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा हेड हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव हेड यानी कार्यकारी अधिकारी हुआ करता था, वो कौन था? हमारा राजा था। ठीक है, जो कि सर्वे सर्वा था, ये अपने प्रशासन को चलाने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, और इनका पद वंशानुगत होता था, ये सारा हमारा किसमें आता था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आता था। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजा तो कहाँ पर है? नेपाल में है, और यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो रूल कर रहे हैं वो राजा के प्रतिनिधि रूल कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हमने इससे पहले डायनेस्टी पढ़ी तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा दो टाइप के, जैसे अगर हमने चंद पढ़े थे तो चंद में हमने देखा था कि यहाँ पर देखिए दो तरीके के यहाँ पर क्षेत्र हुआ करते थे। एक क्षेत्र वो होता था जहाँ पर राजा रूल करता था, एक क्षेत्र वो होता था जो राजा के द्वारा जीते हुए क्षेत्र पर रूल करते थे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा कहाँ पर है? नेपाल में है, लेकिन नेपाल के राजा के द्वारा जो क्षेत्र जीते हैं वहां पर जो है इनका प्रतिनिधि जो है नियुक्ति किया जाएगा, और वो प्रतिनिधि कौन होता था? सुब्बा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपके विजित क्षेत्र हैं, ठीक है, जीते हुए क्षेत्रों में, जीते हुए क्षेत्रों में सुब्बा की नियुक्ति की जाती थी, सुब्बा की नियुक्ति होती थी। और ये जो सुब्बा है आपका, ये कौन है? ये नेपाल नरेश का प्रतिनिधि है। ठीक है, ये नेपाल नरेश का प रतिनिधि है। अब ये जो सुब्बा है, इसे जो है इनने उस समय जो इसका जो पद है गवर्नर के समान था, और इसे उस क्षेत्र में जो है बहुत सारे राइट्स दिए हुए थे, जैसे इसे राजनीतिक पॉलिटिकल पावर दी गई थी, इकोनॉमिक आर्थिक जो है पावर इसे यहाँ पर दी गई थी, इसके अलावा जो है इसे यहाँ पर न्यायिक जुडिशरी पावर यहाँ पर दी गई थी। तो कह सकते हैं कि ऑल ओवर उस क्षेत्र का सर्वे सर्वा कौन था? आपका सुब्बा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसे बहुत सारी पावर दी गई हैं, तो इसे जो है अधिकार दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में सुब्बा नियुक्त किया गया है उस क्षेत्र में इसे राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, न्यायिक अधिकार जो है इसे दिए गए हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, ये हमें सुब्बा की बात हो गई कि ये सारे अधिकार जो है किसे मिल गए हैं? सुब्बा को मिल गए हैं। अब आप देखेंगे, अभी हमने इस पर क्वेश्चन बनाना है, अभी हम केवल एक बेसिकली जो है जो आपने प्री में पढ़ा है उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेना यहाँ पर नियुक्त होगी, और सेना भी इनकी परमानेंट भी होगी, और एक जो आपकी स्थायी है परमानेंट है, और एक आपकी अस्थायी सेना है जो कि परमानेंट आपकी नहीं है। परमानेंट सेना में ये बेसिकली जो है आपके गोरखों को ही नियुक्ति किया करते थे, और जो अस्थायी सेना थी इनकी, इसमें जिन क्षेत्रों में जाते थे वहीं से जो है कुछ नवयुवकों को लेते थे, उन्हें प्रशिक्षण देते थे, वहां पर जो है इनकी ये आपकी अस्थायी सेना का निर्माण भी हो जाता था। सेना को फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर देते थे, एक जागरिया और ढाकरिया, ये आपने प्री में पढ़ाई, इन फैक्टों की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए अगर आप कोई अपना स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसे आपको प्रूव करना है तो वहां पर जो है आपको एक फैक्ट की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जागरिया कौन थे, जिनकी क्या है ये ट्रेनिंग करते थे, 1 साल की जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे वो जागरिया होते थे, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है जब 2 वर्ष के गैप में ये लोग रहते थे तो उन्हें जो है आप ढाकरिया कहा करते थे। ठीक है, जाक्चा और ढाकिया भी इनको बोलते थे। अब यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसमें जो है जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली है उनको युद्ध में नहीं ले जाएंगे, जो ट्रेंड पर्सन है उनको ही जो है, उन सिपाहियों को ही जो है युद्ध में ले जाया जाता था। तो सैन्य प्रशासन पर जो है विशेष बल दिया गया था, और इस व्यापक सैन्य प्रशासन को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए ये इन लोगों ने क्या किया था कि सैनिकों के प्रशिक्षण में, ठीक है, सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था, सैनिक प्रशिक्षण पर
विशेष बल दिया गया था, ठीक है। और इसमें देखिए इन्होंने क्या किया था कि यूरोपियन यूरोपियन ऑफिसर्स को नियुक्त किया था यहाँ पर, ठीक है, यूरोपियन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। और सैनिकों का नियमित प्रशिक्षण हुआ करता था, सैनिकों का नियमित प्रशिक्षण हुआ करता था। अब देखिए सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, नियमित रूप से जो है इनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के लिए विशेष रूप से जो है यूरोपियन अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सैनिक सारी व्यवस्था सही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जब सूबा को इतनी सारी पावर मिल जाएगी कि इन्हें जो है इस क्षेत्र में पॉलिटिकल पावर दी गई है, जुडिशरी पावर इनको दी गई है, इकोनॉमिक पावर इनको दी गई है, तो ऐसे में जो है ये क्या बन जाएंगे, जैसे सेंट्रल में राजा जो है आपका एग्जीक्यूटिव हेड है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो है ये क्या बन जाएगा, एक हेड बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा, एक निरंकुश शासक ये बन जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे जब संगोली की संधि होगी तो ये संधि, संगोली की संधि से पहले मलावगढ़ की संधि हुई थी, आपकी अल्मोड़ा की संधि हुई थी, तो इस जो सूबा लोग हैं ना ये संधियों को तोड़ने की भरपूर कोशिश किया करते थे। क्यों करते थे कोशिश? क्योंकि अगर ये नेपाल चले जाते हैं दोबारा से तो उन्हें जो है इस मनमाने ढंग से रूल करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो इनके ऊपर राजा होगा, और यहाँ पर जो है ये डिक्टेटर बने हुए हैं, ये खुद में ही राजा बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें इस क्षेत्र में पूरे अधिकार दिए गए हैं। तो इसलिए इन संधियों को तोड़वाने में जो है इन सूबाओं का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एक इनका जो है डिमेरिट मीन्स आप कह सकते हैं डिमेरिट भी थी कि सूबा को पावर तो दी गई है जिससे जो है इनकी निर्भरता जो है राजा से खत्म हो गई है, तो ये सही है कि उन्हें बार बार जो है राजा से पूछना नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरी डिमेरिट ये है कि ये यहाँ पर डिक्टेटर बन गए हैं, ये मनमाने रूप से जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये तो सैन्य प्रशासन है इनका, इसके बाद हम देखते हैं इनका न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन ये बस जो प्री वाला आपका आपने पढ़ा है उसी को ही हम रिवाइज कर रहे हैं, अभी आलोचनात्मक रूप से इसे कैसे लिखना है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई न्याय प्रशासन क्या था इनका, कि न्याय प्रशासन के लिए भी इन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया था। वैसे तो प्रांतों में जो ये व्यवस्था थी ये सूबा ही देखता था, अगर छोटे मोटे मामले हैं तो सूबा इन्हें निपटा लेता था, लेकिन न्याय के लिए जो है एक परमानेंट जो है इन्होंने ऑफिसर नियुक्त किया गया नियुक्त किया था, जिसे जो है विचारी कहा जाता था, ठीक है, न्याय प्रशासन। तो यहाँ पर जो है स्थायी अधिकारी था, एक स्थायी अधिकारी परमानेंट ऑफिसर इन्होंने नियुक्त किया था, जो कि अल्मोड़ा में बैठता था उस समय, ठीक है, अधिकारी, और जो क्या था जिसका नाम क्या था, विचारी था। अब ये विचारी क्या है आपका, ये विचारी निरंकुश है, ठीक है, ये जो है भेदभाव नहीं करेगा अपने मिस अपने जो साक्ष्य इसके पास होंगे, चाहे आपके मौखिक साक्ष्य हैं, जैसे भी साक्ष्य हैं, जिस तरीके से भी ये न्याय करेगा उसमें अंतिम फैसला किसका होगा, विचारी का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो विचारी है बेसिकली ये मौखिक जो साक्ष्य होते थे उनके आधार पर जो है ये क्या करता था, अपना न्याय सुनाता था, फैसला सुनाता था। लेकिन सपोज जो है मौखिक साक्ष्य भी नहीं मिले, अब जो है हर की पोती की शपथ दिलाते थे, हर की पोती जो है आपने हरिवंश की पोती, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपकी महाभारत का एक पार्ट है, जैसे हम गीता की कसम खाते हैं तो नेपाल में जो है हरिवंश की पोथी की कसम दिलाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी बुक की यहाँ पर शपथ दिलाई जाती थी, सपोज इससे भी आपका काम नहीं बन रहा है, तो ऐसे में दीप प्रथाओं का प्रचलन था यहाँ पर। तो न्याय जो है आपका किन किन तरीकों से होता था, मौखिक मौखिक साक्ष्यों के आधार पर हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा आपके हरिवंश की पोथी की कसम खिलाई जाएगी, पोथी मीन्स बुक होती है, ठीक है, पोथी की शपथ दिलाई जाएगी, इसके अलावा दीप प्रथाओं का प्रचलन था, ठीक है, और इसके अलावा जो है आर्थिक यानी कि आपको पैसे के रूप में भी दंड दिया जा सकता है, आर्थिक दंड, और आर्थिक दंड के साथ साथ जो है आपको शारीरिक दंड तो मिलना ही है, शारीरिक दंड भी दिया जाता था।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इनका न्याय प्रशासन भी था वो भी किस पर आधारित था, आपका सैन्य शक्ति पर आधारित था, सैन्य शक्ति पर आधारित आपका क्या था, न्याय प्रशासन था। ठीक है, अब भाई ये तो हमने ये कहा कि इस तरीके से जो है यहाँ पर ही न्याय करते थे। अब ये तो मैरिड हो गए, चलो इसी तरीके से जो है न्याय किया जा रहा है। अगर साक्षी नहीं भी हैं तो जो है आप हरिवंश की पोथी की तो शपथ दिलाकर जो है न्याय कर रहे हैं, दीप प्रथाओं का उपयोग कर रहे हैं आप। अब वही, अब हमें क्या ढूंढने हैं, इनके निगेटिव पॉइंट ढूंढने। निगेटिव पॉइंट क्या है कि दीप प्रथाएं जो थी पूर्ण तरीके से हमारी जो थी तार्किक नहीं थी। आपकी ये इनलॉजिकल है, ये सारी की सारी चीजें असंगत है, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे दीप प्रथाओं के यहाँ पर इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि इनकी दीप प्रथाएं जो है हमारे इनलॉजिकल थी, तो इनको प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे गोला दीप में क्या होता था कि लोहे की सरियों को जो है गर्म करके जो दोषी लोग होते थे उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता था। ठीक है, उसे बिल्कुल रेड करके गर्म करके जो है दोषियों के हाथ में पकड़ा जाएगा, जो विटनेस है, और उसके बाद जो है जो ज्यादा जिसका हाथ जलेगा वो दोषी माना जाता था, जिसके हाथ कम जलते थे उसको निर्दोष माना जाता था। इस तरीके से जो है आपके दोष सिद्ध किए जाते थे। तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है आपका। जहर दीप होता था, मंदिर दीप होता था, कढ़ाई दीप, तो सारे इनलॉजिकल आपके दीप है। इनसे जो है आपका आपका अपराध जो है सिद्ध किया जाता था। ठीक है, तो ये आपके डिमेरिट आ जाएंगे कि इनके जो है तार्किक नहीं थी। ठीक, इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं भू राजस्व की। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे भू राजस्व, भू राजस्व। यानी लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो भू राजस्व जो है आपके आय का मुख्य स्रोत था, जो आपका उस टाइम पीरियड में जो आपका कर लिया जाता था, सेम कर ये भी लिया करते थे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है कई प्रकार के कर थे आपके। ठीक है, तो भू राजस्व क्या है, आपका मुख्य मुख्य आय का स्रोत, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, आपका लैंड रेवेन्यू है। इसके अलावा अन्य जो है कई प्रकार के थे, अन्य जो है आपके कई कर थे। जैसे इसमें आपका एक प्री के बिहा पर जो है आपका सलामी या नजराना कर हम इसे कहते थे, जानिया सुनिया कर के हाथ जाता था, जानिया सुनिया कर। ठीक है, बहता कर, रहता कर, इस तरीके के जो है कर हुआ करते थे। ठीक है, तो हम आदि कर देते हैं, बहुत सारे कर थे। तो इस तरीके के जो है बिल्कुल अजीब अजीबो गरीब टाइप के जो है कर लिया करते थे ये। ठीक है, तो ये तो क्या है इनका भू राजस्व या फिर रेवेन्यू सिस्टम क्या था इनका, उस पर हम करेंगे कि इनके टैक्स थे और लैंड रेवेन्यू जो है इनके सोर्स ऑफ इनकम जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया है, प्री में जो हमने पढ़ा है उसको हमने शॉर्ट में जो है समराइज करके जो है यहाँ पर डिस्कस किया है। अब मेंस के पर्पज से जो है आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, मेंस के पर्पज से इस टॉपिक में सबसे इजी टॉपिक मैंने आज उठाया है जिसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा, आपका टॉपिक तो इजी है लेकिन इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि गोरखा प्रशासन की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, गोरखा न्याय प्रशासन को अपने शब्दों में, किसी भी तरीके से जो है आपको ये डिफाइन करने को आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ छोटे क्वेश्चन होते थे, कुछ बड़े क्वेश्चन होते थे, लेकिन अभी तक आयोग ने जो है इन क्वेश्चन को डिफाइन नहीं किया है कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये अभी नहीं दिया हुआ है। तो अब एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्योंकि अगर हम बड़े लेवल पर क्वेश्चन तैयार करेंगे तो छोटे क्वेश्चन तो उसमें से हमारे हो ही जाने हैं, तो उन पर हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है ये है गोरखा प्रशासन का, गोरखा प्रशासन का आलोचनात्मक, आलोचनात्मक वर्णन। ठीक है, इस टॉपिक पर आपको लिखना है। अब देखिए टॉपिक आपको सारा पता है कि क्या क्या चीजें आपने मेंशन करनी है। आलोचनात्मक वर्णन का मतलब है कि आपने पहले गुण देखने हैं, फिर दोष देखने हैं, फिर फाइनल जो आपका निष्कर्ष निकलेगा वो कैसे निकलेगा आपका, हमने मेरिट और डिमेरिट को जो है तुलनात्मक, हमने जो है तुलनात्मक रूप से जो है इसमें अपने फिर ओपिनियन देने हैं। ठीक है,
तो तुलनात्मक ओपिनियन की भी अभी हम बात करते हैं। इससे पहले अब हमने ये क्वेश्चन लिखना है, तो इससे पहले सपोज हमें जो है सारी चीजें पता है, लेकिन उससे पहले जो है हमने एक माइंड में अपनी रूपरेखा बना लेनी है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन कैसे होगा, यानी हमने शुरुआत कैसे करनी है, इसके बाद वाले पॉइंट क्या होंगे। क्योंकि जो है आपके सेंटेंस का प्रभाव फ्लुएंसी जरूर देखेंगे कि आपका पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट है कि नहीं है, पहला पैराग्राफ आपका दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट है कि नहीं। यहाँ पर हेडिंग वाइज आपको नहीं लिखना है, मेंस के क्वेश्चन में जो है आपको हेडिंग सॉरी हेडिंग नहीं डालनी है, ठीक है। तो आपकी जो है एक पैरा से दूसरे पैरा की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस की जो है आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे आपका प्रवाह फ्लो जो है आपका चेक होगा, ठीक है। अब जो है ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपका फ्लो कैसे खराब ना हो, इसके लिए आपको एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। आपका राइटिंग स्किल है तो आप अपने माइंड में जो है ये रूपरेखा बना सकते हैं कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, और ऐसे हमने लिखना है, ठीक है। और अगर सपोज आप प्रैक्टिसिंग में पीरियड में है, तो आपने क्या करना है, रफ में एक हल्का हल्का लिख लेना है कि पहले हम इस चीज को हम फोकस करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इससे क्या होगा, अगर आपकी जो रूपरेखा बनी रहेगी, तो आपके आंसर में जो है बिखराव की स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। बाद में आंसर राइटिंग करने के बाद अगर आप सोचेंगे ओ हो हमने तो ये लास्ट वाला पहले लिख देना था, पहले वाला बाद में लिखना चाहिए था, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इससे बिखराव की स्थिति नहीं बनेगी और सिस्टमेटिक तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे हम चंद करते, कत्यूरी करते, या कोई भी डायनेस्टी करते, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम केंद्रीय प्रशासन लिखते हैं, ठीक है। पहले तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने हेडिंग नहीं डालनी है, इंट्रोडक्शन बस आपने पैरा यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पैरे में आप क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि युद्ध में अत्यधिक व्यस्तता के कारण गोरखा यहाँ पर उत्तराखंड के लिए जो है एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा नहीं बना सके, किंतु फिर भी उन्होंने उत्तराखंड में प्रचलित तथा नेपाल में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था को ही यहाँ पर अपनाया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि उन्होंने प्रशासन के लिए जो है किसे मॉडल माना, ठीक है। यानी थोड़ा उन्होंने उत्तराखंड से लिया और थोड़ा उन्होंने कहाँ से लिया है, नेपाल से। तो यहाँ पर हमारे इंट्रोडक्शन में ये हम बेस बनाएंगे कि यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे गोरखों ने युद्धों में व्यस्तता के चलते, उत्तराखंड में कोई सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा नहीं बनाया, किंतु उत्तराखंड व नेपाल में प्रचलित प्रशासन को ही मिश्रित रूप से उत्तराखंड में लागू किया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे मैंने उत्तराखंड के लिए यूके लिखा है, आप लोगों ने यूके नहीं लिखना है, आपने पूरा उत्तराखंड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि इन्होंने यहाँ पर जो है उत्तराखंड में कैसे शासन व्यवस्था अपनी लागू की थी, ठीक है। दूसरा, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रही हूँ वही आप लिखो, आपकी लेखन शैली मुझसे बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि हर किसी का राइटिंग स्किल जो है एक दूसरे से बहुत अलग होता है। इसकी जगह पर आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। जिसकी लेखन शैली सही मतलब उतनी डेवलप नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों को लेकर अपने शब्दों के प्रवाह को तोड़ने से अच्छा है कि आप ईडीएस लैंग्वेज में आप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद देखिए, जैसे हम चंद स्टार्ट करते या फिर हम कोई भी और डायनेस्टी करते, तो हम केंद्रीय प्रशासन हम करते, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन तो यहाँ पर है ही नहीं, केंद्रीय प्रशासन कहाँ पर है, हमारा नेपाल में है, और यहाँ पर कौन नियुक्त किया गया है, सुब्बा नियुक्त किया गया है। तो हम लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन के प्लेस पर, ठीक है। तो
यहाँ पर जो है हमारे केंद्रीय प्रशासन तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन के अभाव में उत्तराखंड में नेपाल नरेश द्वारा क्या नियुक्त किए, नेपाल नरेश द्वारा नेपाल में नेपाल नरेश द्वारा सुब्बा नियुक्त किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आपका प्रांतीय प्रशासन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड में गोरखू का क्या चलेगा, प्रांतीय प्रशासन चलेगा, और जिसका हेड कौन होगा, आपका सूबा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिवाइड करेंगे, आपने देखिए प्रांतीय प्रशासन आपका आ गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, सैन्य प्रशासन आप करेंगे, न्याय प्रशासन आप करेंगे, न्याय प्रशासन के बाद जो है आपका रेवेन्यू सिस्टम आपका आ जाएगा, एंड फाइनली जो है आप क्या लिखेंगे इसमें अपना कंक्लूजन लिखेंगे कि आपको ये प्रशासन तुलनात्मक रूप से कैसा लगा, जिसमें आपने मेरिट और डिमेरिट्स दोनों देख लिए हैं। ठीक है, पूरा जो टॉपिक है हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी है कि आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने प्रांत स्टार्ट किया, तो अब आप इसमें सूबा के बारे में लिखेंगे कि अब जो सूबा है, क्योंकि हमने प्रांतीय प्रशासन है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया कि सूबा को जो है प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये सूबा क्या होगा आपका, इसका पद जो है गवर्नर के समान है आपका। ठीक है, और इसे जो है इस क्षेत्र में कैसे अधिकार दिए गए हैं, पॉलिटिकल पावर दी गई है इसे। ठीक है, और पॉलिटिकल पावर के साथ साथ जो है इकोनॉमिक पावर इसको दी गई है, जुडिशरी पावर इसको दी गई है, तो इन सारी पावर्स को यानी राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक पावरों के साथ जो है ये क्या बन गया है, निरंकुश यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, सूबा में आ जाएगा। जैसे हम वहाँ पर सेंट्रल में कार्यकारी जो आपका अधिकारी होता था, यानी कि सर्वे सर्वा राजा हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव हेड, तो वैसे ही यहाँ पर प्रांत में कौन हो जाएगा, हमारा सूबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग हो गई। इसके बाद जो है हमने सीधे सीधे सैन्य प्रशासन में लिखना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने सूबा के बारे में लिखा कि भाई उसे सारी पावर दे दी गई है, आलोचनात्मक वर्णन करना है, हेडिंग क्या है हमारी, आलोचनात्मक वर्णन है, तो सूबा की तारीफ कर दी हमने भाई कि इसको सारी जो है यहाँ पर पावर मिली है, गवर्नर के समान पद है, यहीं पर ही हम इसकी डिमेरिट भी लिख लेते हैं, सारी पावर मिलने के कारण जो है इसे क्या होगी, नेपाल नरेश से जो है इसकी निर्भरता क्या हो गई है, कम हो गई है, अपने सारे डिसीजन खुद ले सकता है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, निरंकुश हो गया है। ठीक है, तो ये इसके डिमेरिट हो गए, यही हमारा क्या है, आलोचनात्मक वर्णन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सुब्बा हो गया। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पैरा, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होगा, तो वो हमारा क्या होगा कि अब हमने जो है यहाँ पर जो सैन्य प्रशासन है, हेडिंग तो हमने डालनी नहीं है, पैरा वाइज कर रहे हैं, तो अब सैन्य प्रशासन करेंगे हम। ठीक है, तो सैन्य प्रशासन जो है व्यापक रूप से सुदृढ़ था, हमारा क्या था, मजबूत था, गोरखों का जो आपका सैन्य प्रशासन था वो बहुत ही सुदृढ़ था, जिसके लिए अब हमें तारीफ करनी है इसकी। ठीक है, तो तारीफ क्या करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था, सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए यूरोपियन अधिकारी को नियुक्त किया गया था, और नियमित रूप से जो है सैनिकों का क्या किया जाता था, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। मेरिट हो गए हमारे। ठीक है, अब डिमेरिट क्या लिखेंगे हम, डिमेरिट ये लिखेंगे कि प्रशासन तो तगड़ा था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी भेदभाव किया, सेना में जो है स्थायी और अस्थायी तरीके से सेना इन्होंने बनाई, स्थायी सेना में जो परमानेंट इनकी जो मिलिट्री होती थी उसमें केवल गोरखाओं को ही नियुक्त करते थे, और जो अस्थायी सेना थी उसमें लोकल के लोगों को, जहाँ ये युद्ध करते थे वहाँ के लोगों को ये लेते थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैन्य प्रशासन हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही देखना है। इसके बाद अगला हम पैरा चेंज करेंगे, और उसमें हमारा क्या आएगा, उसमें हमारा आ जाएगा न्यायिक प्रशासन। ठीक है, तो न्यायिक प्रशासन में हमारा क्या होगा, न्यायिक प्रशासन में हम पहले मेरिट हमारे वही होंगे कि वैसे तो जो है हमारे न्याय के लिए जो है यहाँ पर प्रांतों में सूबा ही हमारा जो है यहाँ पर न्याय करेगा, हर छोटे मोटे हल्के जो मामले हैं, लेकिन स्थायी रूप से भी जो है यहाँ पर विचारी नामक अधिकारी की जो है नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि एक जो है न्याय के लिए भी जो है यहाँ पर परमानेंट व्यवस्था की गई है। ठीक, लेकिन अब जो है डिमेरिट क्या है कि जो जो आपका विचारी है वो किस पर जो न्याय कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो न्याय कर रहा है आपके मौखिक साक्ष्यों के आधार पर, दिप प्रथाओं के आधार पर, जो कि पूर्ण तरीके से क्या है, इनलॉजिकल है आपके, अतार्किक है, असंगत है, तो ये आपकी न्यायिक हो गई। उसके बाद अगला पैरा करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाता है, रेवेन्यू सिस्टम क्या था इनका, रेवेन्यू सिस्टम में हम कहेंगे
कि भू राजस्व जो है इनका क्या है, आपका भू राजस्व आपका जो है मुख्य आय का स्रोत था, लेकिन इसके साथ कई फालतू जो है इनने कर जोड़े हुए थे, ठीक है। तो उनमें एज एग्जाम्पल प्रमाणित करने के लिए जो है कुछ एक कर, जैसे जानिया सुनिया कर लगा देंगे आप, और आपका नजराना कर जो है एज एग्जाम्पल में लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है आपने, फैक्ट जो है कम से कम इंक्लूड करना है, ठीक है। बस प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए एक आध एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, उसके बाद आपका ये हो गया। अब हमने जो है पूरा हमने प्रशासन हमने लिख दिया है, आलोचनात्मक वर्णन हमारा हो गया है। अब हमने जो है बाइंडिंग करनी है, यानी ऐसा नहीं अब हमने सारा हमने पूरे प्रशासन लिख दिया उसके बाद हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया यहीं पर, हमारा आंसर पूरा हो गया। आंसर हमारा तब पूरा होगा जब अब हम इसे बाइंड करेंगे। बाइंड हमने कैसे करना है, बाइंड करने के लिए हम इस क्वेश्चन का पूरा निष्कर्ष निकालेंगे, यानी हमने मेरिट भी देख लिए, हमने डिमेरिट भी देख लिए, अब हम उसका जो क्या है तुलनात्मक जो है अपना ओपिनियन लिखेंगे कि हमें इनका प्रशासन कैसा लगा, ठीक है। तो अब हम प्रशासन में हम कहेंगे कि इनका प्रशासन, इनकी मिलिट्री तो बहुत सुदृढ़ थी, ठीक है, इनका सैन्य प्रशासन तो बहुत सुदृढ़ था, लेकिन इनकी न्याय प्रणाली जो है पूर्ण रूप से असंगत थी, इनलॉजिकल थी, और आपकी अतार्किक थी, और यहाँ की प्रजा जो है इनके जो प्रशासन से जो है खुश नहीं थी, इसीलिए यहाँ की जनता ने जो है इनकी शासन व्यवस्था को गोरख्याली नाम दिया, और ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने आज एक आलोचनात्मक क्वेश्चन को हमने कैसे करना है ये हमने डिस्कस किया। तो भाई पूरी रूपरेखा मैंने आपको बता दी, कैसे कैसे आपको कौन से टॉपिक को किस नंबर पर लिखना है वो मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है करेंगे, इसके बाद आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उसमें जो भी गलतियां होंगी जहां पर भी आपसे मिस्टेक हुई होगी उसको आपका करेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उत्तराखंड के पूरे सिलेबस को देखेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे कि किस तरीके से हमने जो है सिलेबस को जो है डिस्कस करके जो है हमने किस किस सिलेबस से हमने क्या क्या मैटर करने हैं, क्वेश्चन वाइज हम जो है अपने इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए आपका इसे होमवर्क समझ लीजिए, आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर को जो है बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।